चाचा जी आप लोग आ जाओ। कोरोना में काम आएगा आपको, दवाइयाँ भी लेके जाइएगा। ऐसे मत जाइएगा यार, ये लेडी को देखना था कोई। ये है ना लगाया जा रहा है ये 132 बटालियन CRPF की यहाँ लाल चौक उसके आसपास एरिया में तैनात है। ये मेडिकल कैंप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और उसके बाद CRPF का है। ये है उद्देश्य, ये है इसका कि लोगों की मदद की जा सके, जो बीमार हैं उनका इलाज किया जा सके या कोई और को दवाइयों की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो हमारे IG CRPF के डायरेक्शन के अनुसार हम लोगों को बताया गया, सभी बटालियंस को CRPF की जो कश्मीर में तैनात है मेडिकल कैंप लगाएंगे, उसी हिसाब से मेडिकल कैंप लगाने की हमें भी जो कैंप लगे हैं उसकी शुरुआत है। और 132 बटालियन यहाँ पर 4 से 5 कैंप लगाएगी इसी एरिया में आसपास में, जिसकी आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ताकि पब्लिक की मदद हो सके, इनका ठीक ठाक इलाज हो सके। इनकी किसी को ज़रूरत है जो नहीं पहुँच पाते हैं अपने इलाज के लिए या अस्पतालों में नहीं पहुँच पाते, उनके लिए भी ये बहुत ही मददगार साबित होगा। सर, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको, क्या फ्यूचर में कैसे प्लान आपके वो लगाने की? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। मैंने जो हमने ये भी देखा है और बाकी यूनिट्स में भी हमने देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं दवाइयों की, इनफैक्ट दवाइयों की कमी ही पड़ रही है यहाँ पर, जितनी आती हैं सब दवाइयाँ लोग ले जाते हैं और उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। और आगे फ्यूचर में भी CRPF ये काम करती रहेगी और अभी ये कैंप अभी चलेंगे, आगे तक भी चलेंगे और आगे और भी लगते रहेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। सर, इस कैंप के हाल से लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही मैसेज देना चाहेंगे कि CRPF आपके प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके आपकी सेवा में है, इन सर्विस ऑफ द पीपल। तो इनका जो भी पॉइंट, जो भी कोई चीज़ होती है CRPF पे, ऐसी बात नहीं कि CRPF ड्यूटी कर रही है या अपना काम कर रही है तो नहीं आ सकते, कभी भी आ सकते हैं, कभी अप्रोच कर सकते हैं। उनको कोई भी मदद चाहिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और मदद तो हम लोग प्रोवाइड पहले भी कर रहे हैं। आपको मालूम है अभी कोरोना भी आया है, इसके पहले जो भी काम कोरोना के टाइम भी बहुत यहाँ पर हमने कैंप लगा करके और डिस्ट्रीब्यूट किया गया आइटम CRPF ने किए हैं, लोगों की मदद के लिए मददगार है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। राशन बांटा गया है, बहुत दिक्कत थी यहाँ पर जो बाहर से लोग आए थे या जो लोकल लोग थे, जब सब मार्केट बंद था तब भी बहुत मदद किया CRPF, तो CRPF बहुत मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोग आते भी हैं, लोगों को और आना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए ताकि, और हम लोग हर मदद करने को तैयार हैं। मुकंदर है और मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मैंने 2-4 दिन से मुझे बहुत मतलब जुकाम है और बुखार भी है, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर के पास गए थे, कोई कुछ नहीं दवा देता है फिर भी फ़र्क नहीं हो रहा। तो आज यहाँ पर ये लगा है, आज मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लेन भी हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे, मास्क दे रहे, साबुन दे रहे, अच्छी तरह दवाई ववाई दे रहे। मैं तो ऊपर वाले से यही कहना चाहूँगा हर एक इंसान इसी तरह कोई मदद करता रहेगा, जितने बड़े बड़े ऑफिसर आए हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर सबको मतलब वो हो जाएगा, जो बीमारी है वो भी दूर हो जाएगा।